हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी कुबेर ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे। तो आज मैं आपके दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था, ये ब्लॉग मैं उसी दिन से मैं दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, चूँकि जो है देर भी हो गई थी और मैंने कहा चलो तो मैं आप मैं बना रही हूँ यहाँ पे गाजर का हलवा। और इसमें गाजर के हलवे में मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस इसे कद्दूकस करना है, कद्दूकस करके और फिर हम कढ़ाई में बना रहे हैं। और मैंने अभी इसमें जस्ट फिर सिर्फ ये अपने गाजर ऐड किए हैं और कुछ भी ऐड नहीं किया है। और बस अब मैं इसको ऐसे ही पकने दूँगी, अभी अच्छे से जब इसका पानी सूख जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको मिल्क के साथ पकाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं ये काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो मेरा भी गाजर मैंने आपको बताया दिखाई दिया है। गाजर मैंने सिर्फ गाजर डाली है अभी, जब ये थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी और फिर उसके बाद इसमें मैं घी भी ऐड करूंगी। मैं आपको दिखाते जाऊंगी कैसे कैसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। इसे मैंने धो के कद्दूकस करके कढ़ाई पे सीधे चढ़ा दिया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। जब ये थोड़ा सा पक गया फिर मैं इस पे ऐड करूँगी घी, देसी घी जो मेरा घर का बना हुआ है। और देसी घी हमें बहुत अच्छे से इसमें ऐड करना है, हलवे में जितने अच्छे से घी और बाकी चीज़ें ऐड होंगी उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। और जब थोड़ा सा गाजर पक जाए उसके बाद ही इसमें देसी घी ऐड करना है और फिर हम इसे देसी घी में अच्छे से पकाएंगे। और हलवे के लिए 2.5 किलो गाजर थी मेरी, तो मैंने एक से सवा किलो दूध, 1.25 लीटर के करीब दूध लिया है जो मेरे पास घर पे अवेलेबल था। और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, ड्राई फ्रूट पे मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए। और ये देखिए मैंने घी ऐड करके अच्छे से उस पर मिक्स कर दिया। और ये देखिए मेरे ड्राई फ्रूट, काजू, और काजू के भी 2 पीस किए हैं, बादाम के भी 2 पीस किए हैं और किशमिश है। और 3 हरी इलायची ली है जो मैं कूट के डालूंगी। और ये यहाँ पे ये मेरा हो गया 1 लीटर से 1.25 लीटर, मैंने आपको बताया था दूध है तो वही दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको अब हमें दूध के साथ खूब अच्छे से पकाना है। पहले हमने गाजर को खूब अच्छे से पकाया करीब आधा घंटा, जब वो पक गया तब हमने इसमें घी के साथ इसको थोड़ा पकाया है, भुना है और फिर हमने अपना ये दूध ऐड कर दिया है। क्योंकि हम इसमें मावा ऐड नहीं कर रहे हैं, खोया ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम दूध में ही पकाएंगे इसे। अब ये देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है घी में, किशमिश नहीं करी है, बाकी काजू और बादाम को मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया है। और जब ये रोस्ट हो जाए तो हमें इन्हें इस तरीके से निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा हलवा कितने अच्छे से पक रहा है, ये फुल क्रीम मिल्क दूध है। और इसमें मैंने थोड़ी सी दूध में जो है कि मलाई जो थी वो मैंने उसी में रहने दी है और उसी को डायरेक्ट डाल दिया था मैंने हलवे पे। इससे हमारा हलवे का बहुत अच्छा और क्रीमी टेक्सचर बनेगा और बहुत ही टेस्ट दुगना हो जाएगा, इसलिए ये इतना क्रीमी टेक्सचर और इतना मलाई जैसा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, और ये देखिए मेरा दूध हल्का हल्का सूख चुका है। और अभी इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी शुगर। शुगर जैसे ही डिसॉल्व होगी, जैसे ही मेल्ट होगी तो ये थोड़ा सा और पानी पानी सा छोड़ेगा। और इधर साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, दूध और पानी मैंने चाय में डाल दिया है। और ये जो इलायची के छिलके थे ये भी डाल दिए हैं और इलायची को कूट के एक कटोरी में रख लिया है। देन उसके बाद हम अपने जो है रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हमें इसे खूब पकाना, देखिए जैसे ही डिजॉल्व हुई शुगर देखिए फिर की तो बहुत ज़्यादा गीलापन सा आ गया उसमें हलवे में, तो इसलिए हमें अभी इसको और अच्छे से पकाना है। कितना बज गया? 5:30 बज गया है और अभी हलवा मेरा बना नहीं है। लेकिन ये है कि मैं इसको छोड़ के जा सकती हूँ क्योंकि इसके बनने थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि कढ़ाई नीचे ना लगे, हलवा नीचे ना लगे कढ़ाई में, इसलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ। और अभी मैं फ्री भी थी तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं खड़े खड़े बना लेती हूँ हलवा। और जब हमारा हलवा बन जाएगा तो सबसे पहले भोग लगेगा हमारे भगवान को और फिर आप लोगों को और फिर हमें।
और यहाँ पे अभी अंधेरा हो रखा है इस कमरे में क्योंकि लाइट बंद है अभी, क्योंकि टाइम हुआ नहीं है लाइट ऑन करने का, लेकिन अंधेरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, और मान्य के पापा उस कमरे में आराम कर रहे हैं। मुझे अभी भी खांसी सही होने का नाम नहीं दे रही। ये देखिए कैसे बबल उठ रहे हैं, बहुत टेस्टी हलवा बनने वाला है। ये देखिए हलवा कितने अच्छे से खींच हो रहा है, और अभी भी मैं इसको और पकाऊंगी बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल से अच्छे से ड्राई ना हो जाए। बहुत लोग इतने में बंद कर देते हैं, लेकिन मैं अभी बंद नहीं करूंगी। और देखिए क्वांटिटी कितनी थोड़ी हो गई है, और लेकिन हाँ ये है, ये देखिए आपको साइड से खींच होता हुआ दिखा होगा। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपनी छोटी इलायची जो सारा कमाल करेगी मेरे हलवे से, बाकी कमाल वही करेगी इसकी प्रेगनेंस। और वैसे भी मान लो कि प्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैंने अपने ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से रोस्ट करके फिर इसको घी में वो करके भराया है, और हलवे को भी देखिए कितना दिख रहा है ना कितना अच्छा। और चाय भी बन गई है, और साथ साथ में मैं चाय भी पी। ये देखिए हलवा बन के हो गया है रेडी, इतना यमी दिख रहा है, देखिए इतना बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो पहले मैं भगवान के लिए निकाल देती हूँ हलवा भोग के लिए भगवान के। निकाल दिया है, अब मैं पूजा भी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और हाँ, आप लोग भी आइए और ये हलवे को टेस्ट करिए और हमें बताइए कैसे लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको मेरी हलवे की रेसिपी कैसे लगी। हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम के बज रहे हैं, हाँ शाम के ही हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी 4 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करने। अगर वहाँ वीडियो बनाने को मिला तो मैं बना के आप लोग साथ जरूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। खुला नहीं था। ये देखिए मैंने अपनी दालें वाले ले ली हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी मैगी और नूडल्स और बिस्किट के हैं रैक के पास। तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये 6 का पैक ले रही थी, फिर मैंने सिंगल पीस ले लिए है मैगी वाले। और बस यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो आप लोग के लिए शूट करी है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा प्लीज़, क्योंकि वो लोग बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल भी वीडियो में मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी, और ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई। तो यही सब था, और जो है शॉपिंग करी, उसके बाद हम लोग फिर सीधे वहाँ से सीधे हम लोग घर ही आए। मैं लेते जा रही हूँ और एक इस पर रखते जा रही हूँ, और हस्बैंड ट्रॉली में रखते जा रहे हैं। बिस्किट बड़े वो हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ बिस्किट पसंद आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, तो इसलिए बिस्किट को थोड़ा देखना पड़ता है। और हाँ ये वाले जो नूडल मैं ले रही हूँ, ये वाकई में बहुत अच्छे बन रहे हैं, मैं 2 बार ले गई हूँ पहले भी। शाम हो गई है और शॉपिंग हम लोग करके आ गए हैं अपने घर के ग्रॉसरी की शॉपिंग। और पता है एकदम से जयपुर राजस्थान में, मतलब जयपुर में भी भयंकर ठंड हो रही है, हाथ है ना बिल्कुल बर्फ जैसे हो रहे हैं, पानी पे मन लगाने का भी, पानी में हाथ लगाने का भी मन नहीं हो रहा, और बहुत ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरा। ये देखिए इतनी मोटी है ये कुर्ती कि मतलब अगर इसको वैसे पहनो तो बहुत दिक्कत आती थी हल्के पर, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि इसको भी पहना है मैंने, और स्वेटर भी पहना है, टोपी भी लगाई है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। और ये टोपी
ये टॉफी मैंने खरीदी नहीं है, मैंने मारी है। मारे से मतलब ये है कि ये मेरी फ्रेंड की टॉफी है, वो मेरे से मिलने आई थी, शीतल की फ्रेंड है वो मेरी, और वो आई थी मेरे से मिलने, तो ये उसकी कैप यहाँ घर पे ही रह गई थी, और इस साल नहीं ये कैप उसकी पिछले साल रह गई थी, और फिर उसने ली नहीं और मैंने दी नहीं, मैं भी भूल गई, और अभी मेरे को जस्ट आज ही ये टोपी मिली। एक बार पहले मिली थी तो मैंने धो के वॉश करके उसको रख दिया था कि मैं उसको दे दूंगी, लेकिन वो आई भी नहीं और मेरा निकलना भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, और अच्छी लग रही है ना। अगर शीतल तुम ये वीडियो देख रही होगी तो अपनी कैप देख लेना, अगर तुम्हें ये कैप चाहिए, वैसे मैं अब ये कैप दूंगी नहीं, और अगर दूंगी तभी दूंगी जब तुम्हें एक नई कैप लेके आऊंगी। ये देखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सर है छोटा, मेरा सर है बड़ा, तो मेरे इसमें आ तो जा रही है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाल सिर गई है ना, तो ये यूं 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 करके ऊपर को हो जा रही है, तो बस। और मेरे इतना ठंडा हो रहा है कि देखो मेरी मानिया भी आ चुकी है। मानिया सबको दिखा दो, सबको दिखा दो, बाबू इधर आओ, सबको दिखा दो, ये देखिए मेरी मानिया, ये मेरी मानिया है, इसको भी ठंडा लग गया। हाँ देंगे, हाँ देंगे, फिर पहले सबको राधे राधे बोलो। आज मान्या को भी मैंने ऐसा बना दिया है जैसे शिमला में होंगे, और शाम के बज गए हैं 6:10, शॉपिंग कर ली थी, फिर उसके बाद घर आए, चाय पी, और जो गाजर के हलवे की रेसिपी है वो मैंने कल जो है वीडियो उसका बनाया था, अपना एक वीडियो खत्म करने के जस्ट तुरंत बाद ही, और ये वाला वीडियो मेरा आपको कल मिलेगा, और अभी मैंने दूध रख दिया है गर्म करने, और हम एग ले आए हैं, देखते हैं एग की एग करी बनाते हैं। वैसे मेरा तो मन नहीं हो रहा है, मैं सोच रही हूँ ऑमलेट बना लेते हैं, तो ऑमलेट बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और बस ये। और ये मानिया नमकीन लेके आई है, देखिए क्या लेके आई हो, क्या लेके आई हो, दिखाओ दिखाओ, ये लेके आई है, देखिए कितनी समझदार दिखाती है सबको, सबको दिखा दो क्या लेके आए हो। ये चाहिए कह रही है, ये कह रही है ये चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी सी इसमें से नमकीन दे देती हूँ, और शाम को कुछ काम निपटाती हूँ। बस तो मोस्टली मैंने निपट चुके हैं, मैंने अपना घर शाम का कपड़े तय करना, चाय पी ली है, अब जा रही हूँ दूध गर्म हो जाए, क्योंकि मैंने दूध पहले चढ़ा दिया है, उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद जो है डिनर की तैयारी करेंगे, और दूध गर्म करना भी जरूरी है क्योंकि अभी माही को देना है, मान्या ने भी नहीं पिया है आज तो बस यही सब चल रहा है। तो चलिए फिर मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में, और ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ इससे पहले जो मेरा ये वीडियो गया है अभी वेडनेसडे को, मेरा जो वीडियो गया है उसमें कमेंट सेक्शन क्यों बंद है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे को मेरे उससे पहले वाले वीडियो में कमेंट कराए हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि आप लोग मेरे को कमेंट करना चाहते हो बट किसी वजह से नहीं कर पाए, कमेंट सेक्शन क्योंकि बंद था, कोई नहीं इस वाले में आप लोग कमेंट करिएगा अपने घर घर के जिसको जितने कमेंट करना है, और बस बहुत ठंडा हो रहा है, आप लोग के वहाँ भी इतना ही ठंडा हो रहा है क्या कि मुझे लग ही ज़्यादा रहा है, और मैंने सॉक्स भी पहने सब पहने, लेकिन ये जो नहीं है ये काम करना है इसलिए इनको खोल के रखना ही रखना है इस वजह से, तो फिर मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए।